हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं लेकर आई हूँ सब्जी मेथी और पनीर की, जो बहुत अच्छी लगने वाली है। और एक चेंज होगा, मेथी सर्दी जो है वो जाने वाली है, तो जितनी भी मेथी हमें मिल रही है उसे अलग अलग तरीके से हम यूज करें। ये देखिए, मैंने मेथी ले ली है। ये 2 कप मेथी है कटी हुई, एक बंच मेथी है जिसको साफ करके धोकर मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने 2 बड़े साइज की प्याज को चॉप कर लिया है। 200 ग्राम पनीर की क्यूब्स कर लिए हैं, आप छोटी बड़ी जैसी करना चाहें। ऑयल है, जो भी आप ऑयल खाते हैं वो है। ये बटर हम थोड़ा सा यूज करने वाले हैं, इसमें ऑयल और बटर के साथ ग्रेवी बनाएंगे। किचन किंग मसाला है, नमक है स्वाद के अनुसार, हल्दी लेंगे, धनिया पाउडर है, जीरा है, तेज पत्ता है, 1 लाल मिर्च ली है, 1 हरी मिर्च और 3 टमाटर की मैंने इसमें प्यूरी बना ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1.5 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया है और 1 क्यूब बटर डाल दी है। इसका गर्म होने का इंतजार करते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा आपको पता ही है, हर सब्जी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 तेज पत्ता, साथ में 1 लाल मिर्च, आप हरी मिर्च भी स्लिट करके डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें हम कटा हुआ प्याज, बारीक चॉप करना है, चॉपर की मदद से चॉप कर सकते हैं। और ये थोड़ा इस तरह से जल्दी बनता है। इसको हमें करना है गोल्डन ब्राउन। जब तक हमारा प्याज भुन रहा है तब तक हमने ये 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के ना हम मेथी को यहाँ पर थोड़ा सा भून लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो ये पक जाएगी, दूसरे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा और हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको हम ऐसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, सौते कर लेंगे। प्याज देखिए भुनना शुरू हो गई है। हमें धीमी आंच पर ही इसे करना है, बहुत हाई फ्लेम पर हमें नहीं भुनना है। प्याज जो है वो हमारी भुन गई है, ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, पहले हम शुरू में कम ही डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे। और ये कश्मीरी मिर्च देखिए कलर के लिए होती हैं, देगी मिर्च थोड़ी सी तीखी होती है, ये कलर के लिए होती है, 1 टेबलस्पून ये डालेंगे। और 1 टीस्पून मैं डालूंगी थोड़ा सा ये किचन किंग, जिससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और अब हम करेंगे इसको मिक्स। मसाले जले नहीं, बस हल्का सा हमको इसको भूनना है चारों तरफ से हटाते हुए। ये भुन गया है अच्छे से, खुशबू आ गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी, 1 हरी मिर्च डालकर हमने इसको पीसा है, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और ये देखिए इसको हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब हम इस टोमेटो प्यूरी को पकने देते हैं। थोड़ी देर आप ढककर भी पका सकते हैं, यानी जब तक ऑयल बिल्कुल अलग ना हो जाए तब तक हमें इसे पकने देना है। और अब हम इसमें क्रीम भी यूज़ करेंगे, जो कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको शुरू में नहीं दिखाए हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आने लगा है। अब हम इसको भुनने देते हैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। और मेथी भी हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखिए साइड बाई साइड, तो इसको हमें उसमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी ग्रीन कलर की ये मेथी तैयार है। ये 1 चम्मच हमने अदरक को ग्रेट कर लिया था, 1 चम्मच हो गया है ये ग्रेट करने के बाद। इसको हम इस समय डालेंगे और इसको भी अच्छे से भूनने देंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, टमाटर के साथ अदरक अच्छे से मिक्स हो गया है। इसका फ्लेवर अगर इस समय डालेंगे ना तो बहुत अच्छा आएगा। और इसको अब हम कवर करके पकाएंगे। ये देखिए अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी भी क्रश करके डाल देंगे, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इसको करेंगे मिक्स। बहुत यम्मी लगने वाली सब्जी है ये, जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुनना शुरू हो गया है। ग्रेवी बनाने के लिए आप इस समय या तो इसमें दूध डाल दें या फिर आप इसमें पानी ही डाल सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। मैंने इसमें 1/4 कप दूध डाला है, 1/4 से 1 कप जितनी आपको ग्रेवी बनानी है। गैस को धीमा करके पहले मिक्स कर लीजिए और फिर गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए बॉयल आने तक। इसी में मैं इसमें साथ में डाल रही हूँ ये मेथी।
जो साथ साथ इसके पक जाएगी। कितना ग्रीन कलर है देखिए, बहुत सुंदर लग रही है। इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए अच्छे से हो गई है ये मिक्स, कितना अच्छा ये कलर लग रहा है। इसको फिर से हम थोड़ा ढककर पकाएंगे। तो ये देखिए तेल भी छोड़ना शुरू हो गया है और ये जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। छोटे बड़े आप पीस अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको करेंगे मिक्स और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें ये फ्रेश क्रीम। गैस को धीमा कर देंगे फिर से और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ कप के करीब हमने फ्रेश क्रीम इसमें ली है। बाकी ग्रेवी जितना आप बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ। ये देखिए ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा मेथी मलाई पनीर है। और मैं मटर पनीर की भी ऐसी रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, आप मेरे वीडियोस और भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको 2-3 मिनट पकाएंगे। यहां पर आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और ये रेसिपी जरूर बनाकर देखिए। ज्यादा हमें इसको नहीं हिलाना है, बहुत जेंटली आप ऐसे पलटे से इसको टर्न करें ताकि जो हमारे पनीर के पीस हैं वो टूटे नहीं। 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारी जो ये मेथी मलाई है, कितना बढ़िया मेथी मलाई पनीर बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार है। आप देखिए इसकी करते हैं हम प्लेटिंग, बहुत सॉफ्ट पनीर हो गया है। देखिए आप, मैं दिखाऊं आपको, बहुत सॉफ्ट। तो ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया ये पनीर है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा। और आप सब पसंद करेंगे इसको। अगर आप मेथी कम पसंद करते हैं, मेथी का फ्लेवर, तो आप कम खा सकते हैं। ये देखिए टेस्टी सी डिश जरूर बनाइएगा। सीजन के हिसाब से हमें सब्जियां खानी चाहिए, तो आपको बहुत यमी लगने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। इसको गार्निश करते हैं अब हमारे धनिए से और रेड चिली पाउडर से। लग रहा है ना यमी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा और खाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।